ओम शांति। 28/10/2022 की साकार मुरली। मीठे बच्चे, भोलानाथ बाप एक है जो तुम्हारी झोली ज्ञान रत्नों से भरते हैं। वही कल्प वृक्ष का बीज रूप है, उनकी भेंट और किससे कर नहीं सकते। प्रश्न। बहुत बच्चे बाप को भी ठगने की कोशिश करते हैं, कैसे और क्यों? उत्तर। बाप को यथार्थ ना पहचानने के कारण भूल करके भी छिपाते हैं, सच नहीं बताते हैं, सभा में छिपकर बैठ जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि धर्मराज बाबा सब कुछ जानता है। यह भी सजाओं को कम करने की युक्ति है कि सच्चे बाबा को सच सुनाओ। गीत भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपना सब कुछ बाप हवाले कर पूरा श्रीमत पर चलना है। कोई भी बुरा काम करके छिपाना नहीं है। जज को सच बताने से सजा कम हो जाएगी। दूसरा, बाप से कभी रूठना नहीं है, सर्विस एबल बनना है। अपने कर्म बंधन स्वयं काटने हैं। वरदान। संगम युग की हर घड़ी को उत्सव के रूप में मनाने वाले सदा उमंग उत्साह संपन्न भव। कोई भी उत्सव उमंग उत्साह के लिए मनाते हैं। आप ब्राह्मण बच्चों की जीवन ही उत्साह भरी जीवन है। जैसे इस शरीर में श्वास है तो जीवन है, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास ही उमंग उत्साह है। इसलिए संगम युग की हर घड़ी उत्सव है। लेकिन श्वास की गति सदा एक रस नॉर्मल होनी चाहिए। अगर श्वास की गति बहुत तेज हो जाए या स्लो हो जाए तो यथार्थ जीवन नहीं कही जाएगी। तो चेक करो कि ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह की गति नॉर्मल अर्थात एकरस है। स्लोगन। सर्व शक्तियों के खजाने से संपन्न रहना, यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। ओम शांति। आप दृष्टि सागर में गहरे उतर जाऊं। पलकें ना पल भर बंद मेरी इन लहरों को दामन में भर जाऊं। आप दृष्टि